अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल किला पेट्स लवर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। तो जनाब, आज मैं मौजूद हूं गुजरांवाला आपको विजिट करवाने के लिए आया हूं जी लव बर्ड का सेटअप, जो कि सुलेमान भाई लव बर्ड की ब्रीड करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान भाई। जी वालेकुम सलाम। आप इस एग्रीकल्चर में कितनी देर से हैं? मैं फरियाद भाई तकरीबन इस लाइन में ना 2.5 से 3 साल से मैं इस लाइन में माशाल्लाह चल रहा हूँ। सही। तो इस टाइम आपके पास माशाल्लाह कौन कौन से लव बर्ड में आप ब्रीड करवा रहे हैं? फरियाद भाई, मेरा इसमें शौक है इनो वर्किंग पे मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास क्रीमिनो टू डेकिनो, क्रीमिनो टू अल्बैनो रेडीज, पेस्टलिनो टू अल्बैनो रेडाइज, पारब्रू स्प्लिट इनो टू अल्बैनो रेडाइज और रेड टू स्प्लिट के जो मेरे पास ना बल्ड पर है। सही हो गया। अच्छा, स्टार्ट में आपने इन्वेस्ट कितनी की थी? फरियाद भाई, पहले तो मुझे शौक़ था बजरी का, बजरी सेल करके मैंने फिर कामलटिनो वगैरह फिशर वगैरह लिए जी, तो उसको फिर मैं चेंज करके मैं अब इनो वर्किंग में आ गया हूँ। तो मेरा माशाल्लाह जो है ना, वो 10 पेड़ मैंने पहले बनाए थे जी, अब माशाल्लाह मेरे पास 20 पेड़ तकरीबन मौजूद है माशाल्लाह। सुलेमान भाई, हम अच्छी ब्रीड किस तरीके ले सकते हैं? अच्छी ब्रीड का तरीका कार तो यह है कि पहले सबसे आपको जो है ना, आपका शेड है जी, उसको अच्छी तरह से हवादार होना चाहिए जी। तो उसके अलावा जो है ना, इनके जो है ना प्रॉपर जो है ना, इनके दुव्याज जो है वो अच्छे तरीके से अच्छी फर्म की जो ले के इस्तेमाल करें और इनका प्रॉपर ध्यान किया जाए, सफाई सुथराई का ध्यान रखा जाए जी, तो फिर ये जो है ना अच्छी आपको ब्रीड मिलेगी इंशाल्लाह। अंड और इनको इनके शेड दिया जाए तो उसमें क्या वजूहत का, हमें कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जी फरियाद भाई, सबसे बेहतर तो यह है कि ये जो लव बर्ड है ना, ये इससे सर्दी में इनको ज़्यादा मसला नहीं होता, ये बीमार वगैरह नहीं होते हैं जी। तो अगर इनको आप बंद कर देंगे, आपको वेंटिलेशन का क्रॉसिंग नहीं करेंगे तो आपके बर्ड जो है ना वो सही तरह से ब्रीड नहीं करेंगे, अनफर्टाइल अंडे आएंगे, फर्टैलिटी का आपको इशू होगा। अगर आप जो ओपन स्पेस देंगे, हवा की क्रॉसिंग होगी आपके शेड में, तो इंशाल्लाह ताला आपको ना अच्छी से अच्छी ब्रीड मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा सुलेमान भाई, आपने केज साइज़ क्या दिया है? फरियाद भाई, केज जो है ना, वैसे तो डेढ़ डेढ़ भी चलता है इसमें, डेढ़ दो भी चलता है जी, लेकिन जो है ना मेरा जो साइज है ना केज का, वो है 2.5-1.5 जो है ना, 2.5-1.5 साइज रखा हुआ है। इसमें जो है ना इशू आता है जो ना, वो एग बाउंडिंग नहीं होती है, फ्लाई का मसला नहीं होता, तो फीमेल को चर्बी वगैरह नहीं आती जी। तो ये इसलिए मेरे ख्याल से 2.5-1.5 जो है ना वो बेहतरीन साइज है। अच्छा सुलेमान भाई, आप बर्ड्स को, लव बर्ड्स को दाने में क्या क्या चीज़ यूज़ करवा रहे हैं? जी दाने में तो चीना, लाल कंगनी, खुरतम, सर्दियों की जो डाइट है इसमें ना कनेरी है, ठीक है, स्वांक है, इस तरह 3-4 चीज़ें और भी हैं जो इनके लिए बेहतरीन चीज़ होती है। तो मौसम चेंज हो रहा है, अभी कभी धूप, दिन को धूप होती है, बर्ड्स का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई हो जाता है गर्मी की वजह से, तो जो जब सर्दी होती है तो फिर रात को इनके ज़्यादा सर्दी हमारे शेड में हो जाती है, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए? जी फरियाद भाई, पहले तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये जो लव बर्ड है ना, इनको सर्दी से कोई मसला नहीं होता है ना जी। तो ये जो मसला है ना, इसको गर्मी में मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं लव बर्ड को ख़ास तौर पर, ठीक है ना। तो रात को भी मैं जो है ना, वो मैं इनको ना हीटर देता हूँ जी, ना कोई बल्ब वगैरह लगाता हूँ जी, इनको सिर्फ मौसम के लिहाज से चलाना होता है। जिस तरह आप बल्ब को आप चलाएंगे जी, बल्ब उसी तरह आपका जो है ना इजी रहेगा। अगर आप बल्ब को हीट वगैरह देंगे, हीटर लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे, तो फिर वो उनके आदि हो जाएंगे। अगर किसी वक्त लोड शेडिंग का मसला है आजकल पाकिस्तान में जी, अगर लोड शेडिंग होती है तो वो उनसे डिस्टर्ब होंगे, उनके बच्चे डिस्टर्ब होंगे, तो उनके बच्चे जो है ना स्क्वायर उनके जो है ना मसले मसाइल आएंगे। इसलिए जो है ना बर्ड को नेचुरल जो है ना वो आप ब्रीड करवाएं। सही। तो अच्छी ब्रीड लेने के लिए आप विटामिन भी ज़रूरी यूज़ करने चाहिए या हम नेचुरल माहौल के मुताबिक ही ब्रीड ले सकते हैं अच्छी? जी फरियाद भाई, कुछ लोग जो है ना वो नेचुरल चीज़ें देते हैं, ठीक है, जिस तरह क्या कहते हैं पुदीना वगैरह हो गया, तो उसके अलावा ये मेथी वगैरह हो गई जी,
लूसन वगैरह हो गया, ठीक है। कुछ लोग जो है ना ये चीज़ें यूज़ करवाते हैं जी, लेकिन मैं जो है ना वो सारा कुछ यूज़ करवाता, ये मतलब कि मेथी वगैरह भी, पूदना वगैरह भी, और उसके अलावा जो है ना इनके विटामिन जो होते हैं ना वो इनकी जिस्म की ना एक ज़रूरत होती है जी, वो अगर वो आप इनके जिस्म की ज़रूरत पूरी करेंगे, इनमें कैल्शियम विटामिन वगैरह जो है ना वो देते रहेंगे तो आपका ब्लड जो है ना वो अच्छी ब्रीड करेगा जी, तो मसले मसाइल नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला। एग एवरेज जो है ना, एग एवरेज वो भी अच्छी रहेगी, बर्ड भी एक्टिव रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सुलेमान भाई, अभी तक आपने माशाल्लाह कितने क्लच ले लिए हैं बर्ड ला बर्ड्स के? जी फरियाद भाई, मैं माशाल्लाह इस वक्त तक 3 क्लच ले चुका हूँ माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह ताला 2 क्लच उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, यानी कि 5 क्लच की एवरेज है माशाल्लाह इस सीजन आपके। हाँ इंशाल्लाह 5 क्लच जो है ना इंशाल्लाह पूरे लेंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपने कितने पेयर परचेज करके सेटअप लगाया था? फरियाद भाई, मैंने स्टार्ट तो तकरीबन एक 8 पोर्शन वाला केज लिया था जी, 8 पेड़ रखे थे जिनमें 2 फिशर थे, 2-3 कामलेटिनो थे जी, एक स्प्लिट के 2-3 पीस थे जी, तो पर्सनालिटा और स्प्लिट रेड आइज जी, वो पेड़ लगाए थे मेरे पास, 8 पेड़ थे जी, 2 साल पहले मैंने बनाए थे जी, उनसे माशाल्लाह चिक्स वगैरह की अच्छी एवरेज आई, तो फिर अल्बेनो रेड आइज भी आए जी, तो ऐसा ऐसा फिर दिल जो है ना इस लाइन में आया कि चलो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें माशाल्लाह अल्लाह की खास रहमत है जी, तो फिर मैंने सारे सेल करके पुराने पेड़ जो हैं वो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेस्टलिनो, अल्बेनो रेड आइज, क्रीमिनो है, ग्रीन यूविंग स्प्लिट प्लान वगैरह है, तो इंशाल्लाह ताला अब जो है ना अगला जो नेक्स्ट जो है ना वो पेल फैलो के ऊपर इंशाल्लाह ताला मैंने ना रिसर्च किया, यानी कि फिशर से स्टार्ट किया था, अब माशाल्लाह पेल फैलो के ऊपर आपका मानना है कि मैं उसकी यानी कि परचेजिंग करके ब्रीड करवाऊँ? हाँ जी इंशाल्लाह ताला, इस अब जो है ना जो दौर आ रहा है ना जी, तो इसके मुताबिक ये है कि अगर आपने आगे निकलना है किसी तरह भी, आपने वर्ल्ड को ऊपर, आपने जिस तरह का दुनिया जा रही है, जिस तरह माहौल चल रहा है जी, तो जाहिर बात है ये जो फिशर है या कामलेटिन, अब ये इनकी डिमांड जो है थोड़ी सी कम हो गई है जी, तो अब इनको जो है ना इंशाल्लाह फॉस्टरिंग के तौर पर इस्तेमाल करना इंशाल्लाह ताला तरजीह है, यानी कि अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए क्योंकि वहाँ जैसे वक्त आए उसी तरह आप भी अपडेट हो जाए जी। हाँ जी बिल्कुल, ये है कि जिस तरह ये जो प्रोफेशनल है ये जो मामलात ने बर्ल्ड के जो है, पहले मामलात और थे जी, सिंपल बर्ल्ड चल रहे थे, अब जो है ना ये जो प्रोफेशनल जो है ना वो बर्ल्ड हम ना यूज़ करने पड़ते हैं कि अब अच्छे से अच्छी म्यूटेशन जो है ना वो लगाएं। जिनके बर्ड्स परचेज करते हैं, हमें किस एज का बर्ड परचेज करना चाहिए? फरियाद भाई, सबसे बेहतर तो यह है कि वो अच्छा फैंसियर हो, जिसके पास जिसका एक पता हो कि आपको उसने दाव वगैरह नहीं लगाना जी, तो ये है कि आप 3-4 माह का पट्ठा लें जी, 5-7-10 पट्ठे ले लें जी, तो उनको जो है ना वो आप ना ब्रीड के लिए चलाएं जी, ब्रीडर पेड़ जो होता है ना वो कोई भी जो फैंसियर है ना जी, वो ब्रीडर पेड़ आप ना सेल नहीं करता, क्योंकि कोई भी चलती मशीन को सेल नहीं करता जी, ठीक है। तो आप अगर न्यू फैंसी के लिए यही है कि आप छोटे बर्ड लें जी, उनका अगर आपने बड़े बर्ड यानी कि बनाने हैं, उनको यानी कि पेस्टरिनो क्रीमिनो वगैरह लेने हैं जी, तो आप उनका डीएनए करवाएं, उनकी पेयरिंग बनाएं, आपको पता हो कि ये पेड़ मेरे पास फर्स्ट ब्रीड करनी है जी, तो आप इस तरह जो है ना ये आप पेयरिंग बनाएं छोटे बच्चे से ले कर ना 2-3 माह से ले कर 1 साल जो एज है ना वो 11-12 महीने तक जो है ना वो आपने बर्ड को लगाना नहीं है आपस में, फिर इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, जो न्यू फैंसियर है बर्ड्स लगाना चाहता है, सेटअप लगाना चाहता है, वो सेटअप स्टार्ट करने से पहले सिंपल बर्ड्स लगाए या कमर्शियल बर्ड्स लगाए या मिक्स बर्ड्स उसको लगाने चाहिए, किस में ज़्यादा बेनिफिट उसको मिलेगा? जी फरियाद भाई, मेरा जो जाती है ना, मैं इस तरह रिसर्च की है जी कि सबसे पहले है जो ना जो आपने अगर जगह रखी है जिधर आपने बर्ड रखने हैं जी, तो उधर का जो माहौल है ना उसको अगर आप थोड़ा सा रीड करेंगे ना जी, तो अगर आप
न्यू फैंसी रहे हैं, आपने आगे चलना है जी, तो फिर आप फिशर वगैरह, कामलटीनो, पर्सनाल्टा वगैरह जो है ना, जो सस्ते बर्ड हैं जी, वो आप देखें 6 माह या 1 साल जो है ना उसके ऊपर आप रिसर्च करें जी। अगर आपको जो है ना वो माहौल के मुताबिक आपको पता चल जाए कि आप बर्ड के जब बीमार हो के मर नहीं रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ये इनका सारा मामला आप समझें जी, अगर आपको हर चीज़ की समझ आ जाती है ना, तो फिर आप जो है ना बेशक 2 लाख वाला भी पेड़ ले लें, फिर आपको पता है कि मैं इसको संभाल सकता हूँ। क्योंकि अगर आपने पहले ही महंगे बर्ड लगा लेने हैं ना, तो फिर आपका अगर 1-2 बर्ड भी एक्सपायर हो जाना है, 1-2 लाख आपको नुकसान होना है, तो फिर आपने कहना है कि ये शौक को छोड़ो, ये तो है ही नुकसान वाला शौक है, तो ये मसला है बस। अच्छा, इसमें ज़्यादा बेनिफिट ही हासिल होता है या कुछ नुकसान के भी सामना करना पड़ता है? फैज भाई, इसमें ना जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है ना जी, तो 1 से 2 साल तकरीबन ऐसा गुजरा है कि थोड़ा सा लॉस भी हुआ है जी, 1-2-3 बर्ड एक्सपायर भी हुआ है, तो उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने माशाल्लाह ब्रीड भी दी है जी, तो मैंने सिर्फ ब्रीड की तरफ ध्यान दिया, जो एक्सपायर हुआ है ना उसके बदले एक रिप्लेसिंग करता रहा हूँ, ठीक है ना, वो भी बस माहौल का समझना ज़रा मुश्किल था, और उनको प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं दी गई, तो इसलिए वो बर्ड जो है ना वो एक्सपायर हुए हैं। तो इस टाइम आपके पास माशाल्लाह थर्ड क्लच स्टार्ट है, तो तकरीबन थर्ड क्लच के आपके पास कितने चिक अवेलेबल है? मेरे पास माशाल्लाह इस वक्त पेस्टेलिनो है, क्रीमिनो है, अल्बैनो रेड आइज हैं, तो स्प्लिट है, पारब्लू स्प्लिटिनो है, माशाल्लाह मेरे पास इस तरह 30-40 बर्ड अवेलेबल है, अगर किसी ने लेने हो तो चिक अवेलेबल है माशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह अवेलेबल। तो ये कितने पेयर की ब्रीड है माशाल्लाह, 30 से 40 चिक जो है ये कितने पेयर की ब्रीड है? ये जो है ना तकरीबन फरियाद भाई मेरे पास 10 से 12 जो पेड़ है ना वो ज़्यादा बेहतरीन चल रहे हैं, यानी कि हाई क्वालिटी में है। हाई क्वालिटी में है, 10 से 12 पेड़ जो है ना चल रहे हैं, बाकी जो है ना वो अभी ब्रीडिंग, यानी कि 10 पेड़ आप मिक्सियम लगा लें, उनकी माशाल्लाह 30 से 40 चिक आपके पास अवेलेबल है। हाँ जी, मगर आपके पास 10 पेड़ है, तो आप तकरीबन इनसे कितनी अर्निंग कर लेते हैं महाना या सीज़न की? जी फरियाद भाई, माशाल्लाह जो लव बर्ड है ना, ये एक कारोबार अच्छा कारोबार है, शौक भी है जी। मैंने शौक से शुरू किया था जी, अब माशाल्लाह इतना अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी माशाल्लाह इज्जत दी है कि बड़े बड़े फैंसियर जो है ना, बड़े बड़े लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से रब्ता करते हैं, अगर कोई चीज़ लेनी हो तो मुझे भी कुछ चाहिए हो तो मैं भी सबसे रब्ता करता हूँ, तो लेकिन यह कि ये इंशाल्लाह अब ये जो है ना पहले शौक था, अब ये ना अच्छा कारोबार बन गया, और अगर आपने कारोबार करना है और ईमानदार से करें जी, और अगर आप ईमानदार से कारोबार करेंगे जी, किसी को धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपसे वादा करता हूं कि आपको अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला बड़ा ज्यादा नवाज देगा। सही हो गया। अच्छा सुलेमान भाई, जैसा कि हम अपने हर कारोबार की यानी कि उसके अंदर से उसका हिस्सा निकालते हैं अल्लाह की राह में, तो इसी तरह हमें इस हॉबी में भी ये काम करना चाहिए? जी जी बिल्कुल, इसलिए करना चाहिए, आपने अगर बर्ड रखे हुए हैं ना जी, तो सबसे पहले आपने उसकी ज़कात वगैरह, उसका जो हदिया वगैरह ना देना चाहिए, ठीक है ना। और मेरी भी ये आदत है कि जब भी कोई ऐसा होता है ना मामला, ब्रीड वगैरह आती है ना जी, तो मैं जो है ना वो उसमें जो सेल पर करता हूँ ना चीज़ जी, ये अपना ही फायदा है, अगर आपने अल्लाह की राह में कुछ देना है जी, तो अल्लाह ने ही आपको देना था। हरी बात है। हाँ जी, इसका यानी कि अगर आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह पाक को उतनी ज़्यादा ब्रीड देगा जितने अंडे, अगर एक मिसाल है आपके पास 30 अंडे आते हैं, बर्ड्स लिंग करते हैं, 30 अंडों में से 20 फर्टाइल होते हैं, 10 अनफर्टाइल होते हैं, वो भी इंसान खुद कवरेज कर जाता है, यार खैर है कोई बात नहीं अनफर्टाइल ही हुए ना, अगर वो 10 अंडे 30 के 30 अंडे फर्टाइल हो जाए, 5 अंडों में आप डन कर लें। शेख नवीद साहब की मुझे एक बात बहुत पसंद है, वो कहते हैं ये आपने पेड़ ने 6 अंडे ले किए हैं, उसमें आप 2 अंडे या 1 अंडा डिसाइड कर लें, इसमें क्रीमिनो निकले या फिशर निकले, ये मैंने अल्लाह की राह में देना है, ठीक है, तो बाकी ये अंडे उसको निशानदेही कर दें, तो इसी तरह अल्लाह आपको अपनी रहमतों से इंशाल्लाह नवाजेगा बेशक। यानी कि सीजन स्टार्ट होता है, तकरीबन हमें कौन से विटामिन स्टार्ट में यूज करने चाहिए? जी इसमें ना फरियाद भाई अपने अपनी एक होता है पसंद होती है जी, एक बंदा अगर 2-3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये अफोर्ड कर सकता है तो वो उस लेवल में भी विटामिन ले के इस्तेमाल करवा सकता सही है। अगर वो चाहे कि मैंने 50,000 या 1,00,000 वाला कोर्स लेके आना है जी, तो वो भी उसमें कोर्स मिलता है, वो अपने अपनी एक हिसाब होता है, जितना को अफोर्ड कर सकता है ना जी, वो आप लेके आ सकते हैं। हाँ, ये माशाल्लाह ब्रीड अच्छी आई जी,
तो ऐसा ऐसा ये दिन बना कि इसको आप सेल परचेज पे ले के आए। सही, बाकी कारोबार कपड़े का था, अल्लाह ताला ने इसमें भी इज्जत दी है। ये टाइम तो इतना इसको नहीं देना पड़ता, घंटा आधा घंटा सुबह देना पड़ता है, घंटा आधा घंटा शाम को देना पड़ता है। तो ये माशाल्लाह एक लहदा सिस्टम है, ये लहदा ही कारोबार है, कपड़े का लहदा कारोबार है। सही, ये एक लहदा कारोबार है। अच्छा सुलेमान भाई, जब आप परचेजिंग करते हैं तो किसी के शर्ट पर जा कर करते हैं या ऑनलाइन भी कर लेते हैं? जी फरियाद भाई, इसमें ये होता है कि जो ऑनलाइन होते हैं ना वो ज़्यादातर डाजी होता है जी, उसमें नुकसान वगैरह ज़्यादा होता है जी। अगर कोई किसी का कोई तलक वाला हो, अच्छा नाम का बंदा हो, पता है इसने अच्छे पेड़ रखे हुए हैं जी, आप जाके ऑन द स्पॉट उससे उसके जो है ना शेड में से जो ना आप परचेज करें, उसमें आपको नुकसान वगैरह नहीं होगा जी। ऑनलाइन ना ये निरा एक, ये सिर्फ एक फ्रॉड ही है। सही, और कुछ तो उसमें बर्ड्स जब सेल करने होते हैं, आप खुद मार्केट में जाके सेल करते हैं या आपके घर से ही इनके लोग परचेजिंग करने के लिए आते हैं? नहीं फरियाद भाई, मैं वैसे ही माशाल्लाह अल्लाह ने 3 साल हो गए इस कारोबार में जी, तो अल्लाह ने वैसे ही माशाल्लाह इज्जत बनाई हुई है जी। तो लोगों के फ़ोन आते हैं कि यार ब्रीड तैयार हुई है कि नहीं हुई है, हमें ये फलाने फलाने चीज़ चाहिए। ग्रुप में दोस्त बने होते हैं, ग्रुप वगैरह में अल्लाह ताला ने गुजरांवाला डिवीज़न में, पिंडी में, लाहौर में काफ़ी दोस्त हैं, तो उनसे फ़ोन पे बात होती है कि मेरे पास ये ब्रीड आई है, तो वो फिर फ़ोन कर देते हैं यार हमारे लिए ये फलाने फलाने बल्ड है जी, आप हमारे रख दें। सही हो गया, वो आके खुद ही घर से ले जाते। तो आपको पता होगा ये कौन से पेड़ है जी, ये कौन से पेड़ से ये बच्चा निकला हुआ है, तो वो आप अगर किसी के तल्लक के साथ आपको उससे छठ पे जाएंगे ना जी, तो अगर कार को कोई मसला वगैरह आता है कि यार ये बल्ड आपने नहीं दिया है तो ये इसमें ये कुछ निकला है जी, अगर वो नहीं निकल रहा तो फिर आप उसको जाके मिलने वाले बनते हैं कि यार ये बल्ड आपने मेरे से दाल लगाया, ये गलत दिया है। अगर आप मार्केट में से बल्ड खरीदेंगे ना जी, तो उसमें तो म्यूटेशन के जो बल्ड होते हैं उनका तो सही तरह से पता नहीं चलता, ये तभी पता चलता है जब वो ब्रीड करता है। सही, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये है कि आप कोई दोस्त वगैरह शेड वगैरह लगाए हो ना, उधर से आप बल्ड लें, हेल्दी हो, एक्टिव हो, नेल टेल वगैरह सारा कुछ ठीक हो, तो फिर ये बल्ड आप खरीदे करें। चेजिंग करना चाहे तो आपको बुकिंग करवा सके, आप शेयर कर दें कि आपके पास कौन कौन से चिक अवेलेबल हैं फार सेल के लिए। जी फरियाद भाई, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह मेरे पास 30 से 40 जो है ना वो चिक्स मौजूद हैं जी, तो वो जस्ट सेल्फ हैं। पहले 2 क्लच जो है ना मैंने सेल कर दिए हैं, सेल आउट हो गए। हाँ जी, ये जो है ना जो थर्ड क्लच है ना ये अब चल रहा है, इंशाल्लाह 5 क्लच जो है ना वो हमने लेनी है। यानी कि 5 क्लच की एवरेज है, 5 क्लच की एवरेज है इंशाल्लाह ताला। सही, तो तीसरा क्लच जो है ना वो तकरीबन 1 माह के जो है ना बल्ड हो गए हैं जी, तो उसमें अल्बैनो रेड आइज, क्रीमिनो है, पेसलिनो है, डेकिनो है, पाब्लो स्प्लिटिनो है और ब्लू फिशरियाँ वगैरह, मेरे पास सारे बल्ड जो है ना वो अवेलेबल हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे रब्ता कर सकता है भाई। मेरी दुकान जो है ना हमारी गोंदल मार्केट है, किला दीदार सिंह में है, ठीक है, मेन बाजार में या आउट बाजार में? मेन बाजार में है, गोंदल मार्केट है जी। मेरी कास्ट भी गोंदल है, तो गोंदल फैमिली से मेरा तल्लक है जी। तो हमारी शॉप का नाम है खुरम गोंदल क्लॉथ हाउस, किला दीदार सिंह गोंदल मार्केट जो है। अगर आपने कुछ चीज़ कपड़े वगैरह की भी लेनी हो जी, तो आप इसे आगे मिल सकती हैं। ये इनके अगर मिलेंगे तो पता चलेगा कि यार इधर से चीज़ मिलनी है तो इंशाल्लाह अच्छी मिलनी है, इसमें कोई दाग या फ्रॉड वगैरह वाला काम इंशाल्लाह नहीं होना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई भी बर्ड्स का शौक रखते हैं, पिजन का, बर्ड्स का, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसी का विजिट होगा। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आए उसको रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो फेसबुक भी अगर आप यूज़ करते हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें किला पेट्स लवर के नाम से। अगर टिकटॉक आईडी आप यूज़ करते हैं तो टिकटॉक आईडी को भी आप फॉलो कर लें। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो दोबारा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारी हौसला अफजाई आपके साथ है। तो इसी साथ मुझे और सुलेमान भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।